जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं कि हमारी जो कोशिश है लगातार जो है जारी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बातचीत की जाए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, तो इस वक्त मैं हम मौजूद हैं पंचायत बसनोद में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत बसनोद के एक्स नायब सरपंच जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मुद्दा चल रहा है इस पे जी किस तरह से काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जसपाल है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये कुछ दिनों से जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा चल रहा है, तो आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो इसको लेकर? देखो सर, मैं सबसे पहले वीडियो का शुक्रगुजार करता हूँ जो इतनी मेहनत से हमारे इलाके में जगह जगह जाके जो बातचीत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट की जाए। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे तीन तहसीलों का मसला है इसमें, जैसे पंचारी, मुंगरी और भमाल, जो हम सभी लोग इकट्ठे होकर हम चाहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी होनी चाहिए ताकि हमारे इस पिछड़े हुए इलाके की डेवलपमेंट जो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत 70 साल हो गए तो हमारा अभी तक जो डेवलपमेंट हमें चाहिए थी वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसलिए हम गवर्नर साहब से और मोदी जी से हम ये निवेदन करते हैं कि हम तीन तहसीलों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही होना चाहिए, तब जाके हमारे जो इस इलाका घुमाव के जितने भी हमारे पिछड़े हुए काम हैं वो एक रास्ते पे ढंग से चलेंगे वो। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। तो इसके बाद सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, जैसे आप एक्स नायब सरपंच हो, तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त के PRI मेंबर्स हैं, चाहे पंच सरपंच, नायब सरपंच, चाहे BDC चेयरपर्सन है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि कहीं ना कहीं इस वक्त तक भी जो है सभी जो PRI मेंबर्स हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, तो इनके लिए क्या मैसेज है? देखो सर, मैं तो सबसे जो पंचीज़ हैं, सरपंचीज़ हैं, जो PRI मेंबर हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको बढ़ चढ़ कर इस मसले में आगे आना चाहिए और सभी लोगों को, जैसे मोजिज हैं हमारे एक्स, कोई रिटायर हैं, कोई कुछ हैं, सभी को एक साथ मिला के हमें जो स्ट्रगल करने चाहिए। और उनको जे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सबसे पहले जो उनका पहले होना चाहिए इस मसले में, ताकि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो सके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे पंचायत बसनोद के एक्स नायब सरपंच, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और इन्होंने भी ये कहा कि हम भी पूरी जोर शोर से जो इस मुद्दे पर जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका जो पूरा PRI मेंबर को जो एक साफ साफ जो इनकी अपील है, सजेशन है कि वो भी जल्द जो इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें। जो लोग इस वक्त तक भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं खुलकर सामने आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मांग करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी जल्दी हो सके, तो जितने भी PRI मेंबर्स हैं आज तक जो सामने खुलकर सामने नहीं आए, तो वो खुलकर सामने आए, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा है इसको हल करवा सकें। तो आप देखते रहिए भवाग अपडेट्स। जय हिंद।